नेक्स्ट टॉपिक जिसके हम बात करेंगे दैट इज़ हार्मोनल रेगुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं उसमें हार्मोन्स कैसे उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, सो दैट वी विल स्टडी इन हार्मोनल रेगुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की चार फेजेज़ होती हैं। सबसे पहली फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज़ फॉलिकुलर फेज, देन थर्ड इज़ ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ इज़ ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो इन सारी की सारी फेजेस में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं ये हमें समझना ज़रूरी है और इनका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल फेज़ की, तो मेंस्ट्रुअल फेज़ आपकी फर्स्ट डे से लेकर फिफ्थ डे तक चलती है, राइट, जिसमें मेनली ब्लीडिंग होगी और जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो रप्चर करके डिस्चार्ज होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फॉर अबाउट 5 days, राइट। सो इस मेंस्ट्रुअल फेज में जो हार्मोन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअल में करता क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल की लाइनिंग्स को पतला करके उन्हें बॉडी से शेड ऑफ करने में मेनली हेल्प करता है। उसके अलावा ल्यूटियल फेज़ के प्रोसेस के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है वो कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली रिग्रेस होता है। रिग्रेस होता है किसकी हेल्प से, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की हेल्प से, और यही कॉर्पस ल्यूटियम फिर बाद में फर्दर एक दूसरे प्रीमॉडियल सेल का फॉर्मेशन कर देता है अगली साइकिल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सो जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है उसमें मेन हार्मोन आपका इन्वॉल्व है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन, राइट। देन इसके बाद में सिक्स्थ डे से लेकर मेनली सेवेंथ डे तक, सिक्स्थ और सेवेंथ डे के बीच में जो फेज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड एज दी फॉलिकुलर फेज़। ठीक है, इस फेज़ में एक्चुअल में होता क्या है, इस फेज़ में जो हार्मोन्स प्रोमिनेंट होते हैं वो हैं FSH, LH एंड एस्ट्रोजन। FSH, LH पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, एस्ट्रोजन जो ओवेरियन ग्लैंड ग्लैंड्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वहाँ से रिलीज़ होता है। इनका काम होता है फॉलिकल को डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, जो भी फॉलिकुलर डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जैसे कि फॉलिकल ग्रो कर रहा है पहले प्रीमॉडियल सेल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल तक, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक, तो उसके फॉर्मेशन में मेनली तीन तरह के हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, टू दैट आर रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड वन इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरीज इटसेल्फ। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपका जो फेज़ आता है वो आता है 14th डे पे, यानी कि 6th से लेकर 13th डे तक कौन सी फेज़ चलती है, फॉलिकुलर फेज़। उसके बाद कौन सी फेज़ आती है, ओव्यूलेटरी फेज़, जिसमें मेनली क्या होगा, ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ओसाइट यानी कि जो ओबम प्रेजेंट है वो अल्टीमेटली बाहर की तरफ रिलीज़ होगा, और इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH रिलीज बाई अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो साइकिल के 14th या 15th डे फीमेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, क्योंकि उसी टाइम पे उनकी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है और ओवम डिस्चार्ज होता है, जिसकी हेल्प से फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन कंडक्ट हो सकता है। तो अगर इस फेज़ के दौरान यानी कि 14th या 15th डे साइकिल के अगर कॉपुलेशन का प्रोसेस हो और फिर अल्टीमेटली स्पर्म्स अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। ओव्यूलेटरी फेज़ के बाद अगर ओसाइट जो रिलीज़ हुआ है उसमें फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो वो अलग प्रोसेस को फिर फॉलो करेगा, प्रेगनेंसी आगे फर्दर प्रोसीड करेगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसके बाद आगे की ये स्टेप्स नहीं होंगे फॉर अबाउट 9 months, जब तक प्रेगनेंसी चलेगी। बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जो ओसाइट रिलीज़ हुआ है यानी कि ओवम जो रिलीज़ हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आ जाती है कौन सी, ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका जितना भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं येलो कलर के स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अलॉन्ग विद दी हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम दी ओवरी, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम के रिग्रेशन में मेनली हेल्प करता है। तो ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू चल होती रहती है। ल्यूटियल फेज जो है वो यूजुअली 21st डे को अकर होती है, जिस टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। सो देयर आर 4 फेजेस इन्वॉल्व एंड इन ईच फेज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ हार्मोन इज इन्वॉल्व with which the menstrual phases can occur easily in any menstrual cycle. So that was the basic description of hormonal regulation in menstrual cycle.